Now, your first question is, the side QR of a triangle PQR is produced to a point, produce a point S, if the bisector of angle PQR and angle PRS meets a point T, then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR. ये सिक्स या सेवन क्वेश्चन ऐसे हैं, लाइन एंड एंगल्स जिस बच्चे को आ गई, इसका मतलब ये अगर छह क्वेश्चन करने में आप अगर सक्षम हो गए, आपका यू कैन सॉल्व, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू डू दीज क्वेश्चन, अगर आपने ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है करने की, इसका मतलब आपका लाइन एंड एंगल्स आपका कंप्लीट हो गया. टुडे इज 14th, अभी अभी मेरे हाथ से बैठ गया ना, और आज सैटरडे. तो देखिए कुछ नहीं, आप एक एक वर्ड को, एक एक करेक्टर को, एक एक आपका ना देखिएगा कैसे है. ज्योमेट्री का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्री, इफ यू आर एबल टू ड्रॉ एनी फिगर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स, इसका मतलब 40% आपकी विजय हो गई, विक्ट्री हो गई. तो देखिए आपका द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, ये देखिए इधर देखिएगा, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, तो क्या पता मुझे जरूरत से हो लिखे देखो. पी क्यू आर ट्राइंगल में क्यू आर साइड, द साइड क्यू आर ऑफ इज प्रोड्यूस्ड, ये देखिए ये प्रोड्यूस किया क्यू आर साइड पे, क्यू से आर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो क्यू आर, आर क्यू नहीं बोला उसने, लैंग्वेज का समझो, क्यू आर क्यू से आर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है, अगर एस का पॉइंट एस का देखो, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, अगर इसका बाइसेक्टर, ये देखो ये बाइसेक्टर पे सिंगल कट सिंगल, ये इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड द बाइसेक्टर एंगल पी आर एस, देखो पी आर एस का बाइसेक्टर, ये देखिए ये डबल कट डबल कट, इसका मतलब ये भी आपका देखो बाइसेक्टर होगा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर आपका क्या है, मीट्स एट पॉइंट टी, अगर टी पर बिंदु पे मिलते हैं, टी पॉइंट्स पे आपका मिलते हैं, आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर. एक चीज आपको खाली आपकी नॉलेज के लिए आपको टिप्स बता दूं, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका नाम देखो, जैसे इफ इन एनी ट्रायंगल इंटीरियर बाइसेक्टर होते हैं, जैसे ये है देखो एबीसी है, ये देखो अगर ये इंटीरियर बाइसेक्टर आपस में कट करते हैं अंदर के अंदर, यानी कि OB is an angle bisector, internal bisector of angle BC and OC is an angle bisector, yani ye dekho OB and OC are internal bisector, उस समय आप क्या करेंगे, एंगल्स का हाफ कर देते हैं, सो डू हाफ ऑफ एंगल्स, एंगल्स. और देखिए दूसरा सेकंड, अगर ट्रायंगल देखो आपका नाम ये बन रहा है ए बी सी और डी ई एल, अगर एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ हो, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, एक्सटर्नल बाहर की तरफ, जैसे ये आपका बाहर की तरफ आपका देखो एंगल बाइसेक्टर, इफ बी ओ ए सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर, लेकिन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, एक्सटर्नल मैंने आप उस समय मल्टीप्लाई बाय टू, उस समय मल्टीप्लाई बाय टू कर देते, जब इंटरनल बाइसेक्टर था तो हाफ कर देते थे, क्या एंगल्स का हाफ मल्टीप्लाई बाय टू इन एंगल्स, जैसे एंगल ए एंगल बी एंगल सी आपने लिखा, इसे 180 लिखा तो मल्टीप्लाई टू से कर देते ट्वाइस ऑफ एंगल ए ट्वाइस आपका ये कर देते हैं, और उसमें हाफ कर देते हैं. ये दो चीजें पहले आप अपने दिमाग में, अब आपने कहा सर मेरे दिमाग में भेजे मैं नहीं घुसा, आप क्या कह रहे हैं, ठीक है आपके दिमाग में, अब यहां देखिए यहां अभी घुस जाएगा, 1 2 3 4
या कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 1 2 3 4 लिखा, आपका आप लिखो एक्स वाई 1 3 1 2 कुछ भी लिखो, आपका लिखो, मेरी मर्जी है, सवाल में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखो जब प्रूफ करेंगे, आप लिखेंगे एक ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो क्यू आर इज प्रोड्यूस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गिवन मेरे क्यू से आर की तरफ प्रोड्यूस हो गया, देखो एस का अगर क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस पॉइंट पॉइंट एस या एस पॉइंट, अब जो भी लिखते आपकी मर्जी है सर। इसके बाद देखो ना क्यू टी इज एन, अब देखो ध्यान से देखिएगा इसका ए क्यू टी इज एन एंगल इस एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये देखो ए साफ साफ लिखा बाइसेक्टर, तो देखो इसका मतलब एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर सॉरी पी क्यू आर, क्योंकि देखो क्यों एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स, एंगल बाइसेक्टर पे आपका हमेशा एक दिए हुए एंगल को आपका दो बराबर भागों में बांटता है, आपका ना देखो एंगल एक्स और एंगल वन की वैल्यू सेम होगी लेकिन दोनों ही एंगल पी क्यू आर से, क्यों एंगल देखो ज्योमेट्री इट वॉन्ट्स द परफेक्ट कंक्लूजन, इट वॉन्ट्स द परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी, इट गिव्स द इट वॉन्ट्स द परफेक्ट विजुअलाइजेशन, बिना एक्नोलेजमेंट के बिल्कुल आगे मत बढ़िए, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि यार आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सर हो गया, कोई शक है तो बताइए सर। नहीं नहीं अभी कहां से आ जाएगा आंसर यार, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको ये दिखाया है, ये देखिए जरा पी क्यू आर, ये देखो ये टी जब एंगल बाइसेक्टर था ये वन और एक्स अपर, अगर कोई अनाड़ी भी होगा तो भी वो समझ जाएगा यहां से कि ये सिंगल सिंगल कट मारा है, इसका मतलब ये आपका क्यू टी एंगल बाइसेक्टर। अब आपका देखो इसका बी पार्ट में देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर अपर पी क्यू आर एंगल पी आर एस इज एन एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब आप कहेंगे कैसे सर, पी आर एस ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, देखो अपना एक्सटीरियर एंगल ध्यान से सर। उसके बाद अब उसने क्या कहा आर टी इज एन, इधर सर आर टी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर, मैंने कह रहा हूं सर ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू, एंगल डबल कट सिंगल से कट सिंगल कट मारा हुआ सर, एंगल टू इज इक्वल टू आपका एंगल वाई इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, और देखो दिस डू एस एवर, यानी डू एस एवर का मतलब जो ऊपर आपने पॉइंट लिखा है वही आपका नाम कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ, यानी कि इसका जो फिगर आप देखेंगे देखो बनेगा ये पी क्यू आपका देखो एस आर, ये देखो ये टी ये एंगल टू आपका ई ये आपका देखो एंगल वाई, एंगल टू और एंगल वाई क्यों इक्वल है क्योंकि आर टी आपका एंगल वाई सेक्टर, देखो हो गया सर देख लीजिएगा सर ध्यान से। अब आपका देखो ये हो गया, अब वन टू अब आपका आ गया टू के दो पॉइंट होंगे, अब आप करें अब आइए आप करें ये एक्सटीरियर, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर आप करें
एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देख लीजिएगा सर, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल यह देखा गया एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज सम ऑफ, इसके लिए ये अपोजिट इंटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर, तो ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर, ये हो गया सर। ये आपकी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, ये सम प्रॉपर्टी ने लिखा है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल आपका हमेशा अपोजिट टू सम ऑफ द अपोजिट ऑफ टू। अब जो मैं यहां कह रहा हूं हाफ कर देते हैं जब इंटरनल बाइसेक्टर होता है तो देखो आपका इसका मतलब देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, ये देखो टू सर। अब आपका देखो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, इधर देख लीजिएगा सर, देखो हाफ ऑफ एंगल पी और प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू, फोर्थ डिग्री सर, दोनों तरफ आपने टू टू से डिवाइड कर दिया, देखो ये दोनों तरफ इसका भी हाफ इसका भी हाफ इसका भी हाफ, ये जो मैं यहां समझ रहा था इंटरनल बाइसेक्टर पे, देखिए आप करें ये कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं इनसे, ये क्वेश्चन आपका 60 दे दिया उधर से आपको 120 दे दिया और आपको बोला कि आपका ये वाला क्वेश्चन आपका एंगल क्यू टी आर निकाल, ये एंगल क्यू टी आर तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको ये पूरी ये एक एक चीजें आपको पता होंगी। देखिए अब एंगल पी आर एस का, एंगल पी आर एस का हाफ देखो एक्सटर्नल है तो बाहर वाला एंगल ले लीजिएगा वाई, एंगल वाई इज इक्वल टू पी आर एस की जगह में देखो आप वाई या टू रख सकते हैं, हमने बाहर वाला एंगल रखा देखो वाई, दोनों की वैल्यू बोथ आर सेम, आइदर यू कैन राइट आपका एंगल टू और एंगल वाई, दैट्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। हाफ ऑफ एंगल पी इसको ऐसे रहने दीजिए, हाफ ऑफ एंगल क्यू, हाफ ऑफ एंगल क्यू देखिए बाहर वाला, यानी कि इसकी वजह से इस बाहर वाले को हमने ले लिया हाफ ऑफ एंगल एक्स, हो गया सर। देखिए इस द फिफ्थ एंगल, एक एक चीज आपको मैं क्लियर करके बता रहा हूं सर, देख लीजिएगा। अब आपका देखो ना ये देखिए Q R S, जरा ध्यान से देखिएगा T, ये Y और देखिएगा देखो हमी को हमी से चुरा लो, उसी फिगर में से आपको मैं छोटे छोटे फिगर बना करके समझा रहा हूं, देखिए तो ना फिर आप क्या करेंगे N ट्राइंगल Q T R, सॉरी ट्राइंगल Q T R अभी आपका एक्सटर्नल एंगल का काम करेगा, तो देखो ना फिर आपका एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये देखो दिस इज ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ये है देखो अपना वाई, आप टी आर एस या एस आर टी भी लिख सकते हैं, मैंने वाई से डिनोट किया तो मैं वाई से डिनोट करूंगा, ये देखिए इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल टी और प्लस एंगल एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है सर कि किसी भी ट्राइंगल में बाहर का जो कोण होता है अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जरा देखिएगा सर इधर वाई और वाई देखो, वाई और वाई देखिए हाफ ऑफ क्यू है हाफ ऑफ पी, थोड़ा भी कंसेंट्रेशन भाई एंगल क्यू हाफ ऑफ एंगल क्यू की वैल्यू देखो हाफ ऑफ एंगल ये क्यू की वैल्यू, या तो आप वन लिख दीजिए या तो आप एक्स ले लीजिए, ये जो क्यू है ये एंगल एक्चुअल में जो बीच में लिखा होता है एंगल क्यू का मतलब एंगल पी क्यू आर ही है,
वहां हाफ लिख दिया था देखो, इसलिए ध्यान बिल्कुल। अब आपका देखो ना, वाई और वाई को कंपेयर कर दीजिए, आप क्या देखते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 फॉर वाई, वाई को वाई के साथ कंपेयर करो, वाई को वाई के साथ कंपेयर, वाई की ये वैल्यू रख दीजिए, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एक्स डिग्री और दूसरे वाले की एंगल टी और प्लस एंगल एक्स, ओटी में दोनों प्लस में, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, देखो हाफ ऑफ एंगल पी इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल एक्स, और ये ओटी में चला गया देखो आपका माइनस एंगल एक्स हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बताया, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल हाफ एंगल पी, टी टी का मतलब देखो बीच वाला एंगल, तो इसको क्या लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर, टी को लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, टी क्यू आर नहीं, बीच वाला एंगल है सर, बी बीच में जो रहेगा वही, आप इसको आर टी क्यू लिख सकते हैं, लेकिन टी को आप टी क्यू आर नहीं लिखेंगे, बीच में आना, यस जो पूछा हुआ एंगल होता है दैट मस्ट कम आपका इन बिटवीन। फिर दूसरा क्या होता है कि आपका आर पहले आएगा या क्यू पहले आएगा, ये तो आप खुद ही सोचो, क्यू पहले आता ना आर से, तो इसलिए क्यू पहले लिखा जाए हमेशा। नाउ हाफ ऑफ एंगल पी, एंगल पी को आप क्या लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर देख लीजिएगा एंगल क्यू टी से बड़ा हाफ, प्रूव डू इट सर क्विकली जल्दी। सॉल्यूशन नंबर 1 है वो देख लीजिएगा, देखिएगा द सेकेंड क्वेश्चन में द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ये देखो इसका आपका एंगल बाइसेक्टर, तो देखो सिंगल कट, सिंगल कट मार दिया, देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर लिखा हुआ है देखो आपका, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपका, देखो आपका एंड ये इन्हें ट्राइंगल ए बी सी में लिखना चाहिए था, उसको नहीं लिखा था कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं आपका, देखो ना देखो आ देखो ए बी सी का एंगल बाई सेक्टर, इधर से देखो ये आपका देखिए ये 3 और 4 एंगल बाई सेक्टर, ये देखो इंटरसेक्ट, एक्चुअल में इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे होता काट रहे, ये देखो ओ पर काट रहे, वैसे इसको लिखना चाहिए था मीट्स एट, नहीं लिखा मीट्स एट, अगर लिखा होता तो हम खाली इसको ऐसे जोड़ देते, अब इंटरसेक्ट किया ये आगे गया, ये कट कर रहे देखो ओ पॉइंट पे कट कर रहे, ये हुआ इसका मतलब कायदे से। लैंग्वेजेस समझना आपका ना, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ज्योमेट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बच्चे एल्जेब्रिक पोर्शन बहुत अच्छा होता है लेकिन ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल खत्म होता है, इसलिए ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला टीचर भी अच्छा होना चाहिए आपके पास। ये देखिए ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, मैंने ऊपर लिख दिया, सिंगल कट मतलब एंगल बाइसेक्टर, ये डबल कट का मतलब आपका नाम देखो दस, ये भी बाइसेक्टर, अब आप कर वहां पे आपको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आपका एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू देखो आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, जब एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के अंदर होता है इंटरनल होता है तो ये प्लस होता है, अगर ये ओ बाहर होता तो उस समय आपका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाता। इन चीजों को समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर। अब ये चीज जो मैंने यहां पे लिखी थी ये यहां काम करेगी, अभी जब आएगी तब मैं बताऊंगा, अब प्रूफ कर रहा प्रूफ में पहले हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड दैट व्हाट इज गिवन, आपको दिया क्या वो लिखना, यू हैव टू राइट दैट, तो राइट इन ट्रायंगल ए बी सी आपका देखो फर्स्ट बी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, मैंने कह रहा हूं गिवन, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी लिखिए, ये हाफ ऑफ एंगल बी लिखिए, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिखिए, यानी कि जो बीच वाला एंगल होगा उसको आप ऐसे लिख सकते,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो फुल। दूसरा देखिए, सीओ इज सीओ, ये देखो सीओ एस। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, देखो ये इतने पोर्शन को देखिए सर, ए बी सी में देखो ये टू है और ये वन है, ये ओ है यहां पर। अब यहां देखो, फिर इसी में देखिए, ये ट्राइंगल आपका बनाया, देखो मैंने ए बी सी, ये देखो ई ओ, ये फोर लिखा हुआ है, ये थ्री लिखा है, तो यहां सी ओ एस। एंड एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए सी बी, ये मैंने कह रहा हूं सर, ये की वाले क्वेश्चन, एंगल बाइसेक्टर एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी इन ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, देखो इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते हैं, इसका मतलब एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। अब यहां पे मैंने रीजन नहीं दिया, आपने बोला ही नहीं, देखो ज्योमेट्री में मैंने कहा था एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंस, ये आपको देना पड़ेगा सर, एबीसी। यहां पे यही वाला स्टेटमेंट टाइप हो जाएगा डू एज एवर, एक बार आपने लिख लिया, दोबारा लिख लिया, इट्स नॉट नीडेड, डू एज एवर का मतलब यही आपका टाइप होगा। दिस इज यहां पे इसको, अगर आप एंगल ए सी बी नहीं लिख रहे, एंगल सी बी लिख सकते हैं आप, खाली बीच का एंगल, ए सी बी नहीं लिखा तो सी लिखा, हो गया सर, क्लियर हो? आप देखिए आपका थर्ड, अब आप आइए देखिए, ये ए बी सी, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल के सम का जो तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 होना चाहिए ट्राइंगल से, तो जब अब देखो अब आ जाइए, जब भी इंटरनल बाइसेक्टर दिया है तो एंगल्स का हाफ कर दीजिए, लिखा हुआ है यहां पे, अब ये यहां समझ आएगा आपका, देखो ये आपका, देखो पहले अब देखो डिवाइडिंग, ये देखिए बोथ साइड्स बाय टू, जब भी इंटरनल आपका बाइसेक्टर दिया हो हाफ कर दो, डू हाफ ऑफ एंगल्स लिखा हुआ, तो देखो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल से, ऐसे बड़े 180 बाई टू दोनों तरफ का हाफ कर दिया, हाफ ऑफ एंगल ए को ऐसे ले लीजिए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल बी का हाफ या तो वन लिखे या तो टू लिखे, लेकिन इसके पीछे भी अंदर वाला एंगल लिखिए, अंदर वाला एंगल वन प्लस एंगल सी का भी हाफ अंदर वाला लिखिएगा, एंगल सी का हाफ भी अंदर वाला, ये यहां पे भी बिल्कुल अंदर बाहर देखो इंटरनल बाइसेक्टर की वजह से दोनों एक जैसे इवनली लिखने चाहिए कायदे से। अब कोई नहीं लिखा रहा स्कूल टीचर, उसमें भी मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं लिखा रहा हूं खत्म से बात, देखो 90 या फिर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं सर, अभी मैंने यहां पे इक्वेशन नहीं डाली, देखो यहां पे छोड़ दिया मैंने, क्यों छोड़ा अभी आपको पता लग सकता, इक्वेशन वन इक्वेशन इक्वेशन थ्री ने डाली, अब देखो अब क्या करूंगा, देखो अब यहां अभी अंदर का छोटा सा ट्राइंगल देखिएगा सर आप, बी ओ सी, देखो दिस इज वन और दिस इज थ्री, देखिए अब यहां पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी एंगल वन प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये देखो ये भी ट्राइंगल्स सम प्रॉपर्टी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, हमने एंगल की डिनोशंस की है, हमने डिमार्केशंस की है, हमने मार्क किया 1 3 1 2 3 ऐसे लिखा है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो और ये सिर्फ आपके लिए यहां पे अलग से लिख रहा हूं मैं, एंगल वन को आप लिख सकते हैं, देखो एंगल वन को एंगल ओ बी सी, देखो प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है नाउ प्लस एंगल थ्री को आप लिख सकते हैं ओ सी बी एंगल ओ सी बी, और तब इसको आप 180 भी लिख सकते हैं,
ये इतना बी ओ सी ओ बी सी लिखने के बचने के लिए हमने 1-3 लिखा होता है एंगल्स की डिमार्केशन इसलिए की जाती है। इधर से अब आप कह दो, अब इसका मतलब देखो क्या हो गया, एंगल 1 + एंगल 3, ये देखो ये अपनी जगह में ये देखो मूव कर रहा है, इसके 180 - एंगल BOC, ये देखो आपका ये हो गया आपका नाउ। अब देखो इसको मैंने बना दिया 3, इसको OT में आ गया, एंगल BOC इट इज ट्रांसफरिंग ऑन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो रहा है, जिसको आप पक्षांतर या OT कहते हैं। अब देखो 1 + 3 1 + 3, ये देखिए 1 + 3 की वैल्यू उठा करके यहां डाल दीजिएगा, देखो आपने तो आपका आप लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 + एंगल 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में, या इसको भी इक्वेशन नंबर 1 + 3 बना दो। अभी मैं दिखा रहा हूं, यहां से ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, देखो तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल 1 + एंगल 3 की जगह में देखो क्या लिखोगे, 180 - एंगल BOC, और देखो ये 90 अपनी जगह में, 1 + 3 की जगह आपने क्या लिखा, ये लिखा। आप समझ गए मेरी बात, क्लियर हो गया। अब देखो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 180 - 90 इक्वल टू एंगल BOC, साइन देख लीजिएगा, ये 90 उधर की और BOC, OT कहते हैं जिसको, ऑन ट्रांसपोजिंग नॉट ट्रांसफरिंग, ट्रांसपोजिंग। तो देखो हाफ ऑफ एंगल ए 180 में से 90 गया आपका 90, और इक्वल टू एंगल AOBC, देख लो ऊपर स्वैपिंग कर दीजिएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 और प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ स्वैपिंग में साइन चेंज होते हैं लेकिन दोनों तरफ इधर उधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये देखो एंगल BOC इज इक्वल आपका देखो ना प्रूफ, जबकि अगर आप ये हो गया आपका हो गया फिनिश हो गया, लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, सवाल आंसर आ गया सर, लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, देखो थर्ड को नहीं लिखते, वो तो आपका वीडियो बन गया, आप घर जाकर के वीडियो देख सकते हो, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल 90 - हाफ ऑफ एंगल ए, ये देखिए ये प्लस हाफ को उधर लेके ओटी में, तो देखिए माइनस हो गया, देख रहे हो प्लस हाफ उधर के तो क्या होगा माइनस, ट्रांसपोजिंग हो गया। और देखो 1 + 3 1 + 3 देखो आप इसको देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर एंगल 1 + एंगल 3, ये देखो देख लीजिएगा सर, ये देखो इक्वेटिंग या कंपेयरिंग भी आप लिख सकते थे, तो ये 1 + 3 की वैल्यू 90 - हाफ ऑफ एंगल, ऐसे करो, यानी कि इसका मतलब एंगल 1 + एंगल 3 इसे करो एंगल 1 + एंगल 3, दोनों एंगल 1 + एंगल 3 को आप देखो आप कंपेयर कर रहे हैं, एक बार इसकी वैल्यू लिख दीजिए और राइट साइड में इसकी वैल्यू लिख दीजिए, देखो एंगल BOC इसे करो 180 - 90 और प्लस हाफ ऑफ एंगल, साइन देख लीजिएगा OT, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 में से 90 क्या, दिस इज 90 और प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए को आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ ए को आप एंगल BAC भी लिख सकते हैं, बीच वाला एंगल BAC लिखने को तो आप CAB भी लिख सकते हैं, लेकिन C बहुत दूर है, बी इज आपका वेरी नियर टू ए, तो आपका अल्फाबेटिकली अगर आप चलते हैं तो आपका बी का नंबर पहले आता सी से, तो इधर आपका ए लिखो या वहां ए लिखा है तो इट्स ऑल इट, क्लियर। इसको घर जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा, फिर परसों मंडे के दिन आपसे मुलाकात होती है। हैव अ नाइस इवनिंग टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू सर।